कुछ पाने की तमन्ना हो, कुछ हासिल करने की लगन हो, तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस बात को सही साबित किया है एक शख्स ने जिनका नाम है सूर्य प्रताप शर्मा, जो पैरों से दिव्यांग है, लेकिन इस कमजोरी को उन्होंने अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। बता दें, सूर्य प्रताप शर्मा आर्म रेसलिंग में विश्व विजेता है। बचपन में लोगों से पंजा लड़ाते लड़ाते आर्म रेसलिंग सूर्य का जुनून बन गई। 1.5 साल की उम्र में सूर्य प्रताप पोलियो की वजह से दिव्यांग हो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस कमजोरी को अपनी शख्सियत पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बचपन के खेल को गंभीरता से लिया और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। मोहल्ले से शुरू हुई प्रतियोगिता विश्व स्तर पर पहुंच गई और साल 2017 में पोलैंड में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग में सूर्य प्रताप ने विश्व कप जीता, साथ ही विश्व रैंकिंग में 4th नंबर पर अपनी जगह दर्ज की। सूर्य प्रताप ने MBA भी किया है और चाहते हैं उनके जैसे शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को सरकार बढ़ावा दे। मैं 1.5 साल की उम्र में विकलांगता से ग्रस्त हो गया था और उसके बाद मैं इस चीज़ को भी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और देखा कि पूरी दुनिया भागने में हर चीज़ समेटने में मैं वहीं रुक रहा हूं, तो ऐसा लगा कि मैं उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूं। उसके बाद में पता चला कि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हूं जो इंसान को चलने फिरने में बहुत असुविधा थी, उसका नाम मतलब पोलियो है। पंजा कुछ थी 2013 में मैं स्टार्ट किया था। मैं एक जॉब फेयरवेल में गया था, वहाँ स्पोर्ट के बच्चे कुछ थे, वहाँ पर इस बारे में इस चीज़ को हमको समझाएं और कहें कि आप पैरों से प्रॉब्लम है लेकिन हाथों में नहीं, और आप इसको इस गेम को करिए और इसमें बहुत आगे सफलता मिलेगी। तो उसके बाद मैं उस गेम को समझा, उसके बाद उसमें मेहनत करने लगा। सूर्य प्रताप उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, घर में 2 बहन हैं, 4 भाई हैं, पिता सरकारी कर्मचारी थे और जब सूर्य प्रताप पहली बार आर्म रेसलिंग में भाग लेने के लिए यूरोप जा रहे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। जब उन्होंने आर्म रेसलिंग में करियर बनाने का सोचा तो बहुत से लोगों ने सूर्य प्रताप का मजाक बनाया और उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन जब वो विश्व विजेता बनकर वापस लौटे तो इन्हीं लोगों ने सूर्य प्रताप का स्वागत फूल माला पहना कर किया। सूर्य प्रताप ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता, कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।